झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में शनिवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में 53 प्रस्तावों को कैबिनेट से मंजूरी मिली है। वहीं चंपई कैबिनेट ने बैठक के दौरान स्कूली छात्रों को किट देने का बड़ा ऐलान किया है। कैबिनेट की बैठक में लिए गए इस फैसले से सरकारी स्कूलों के कक्षा 1 से 8 तक के करीब 37 लाख बच्चों को फायदा होगा। इसके अलावा आदिम जनजाति क्षेत्र में 91 आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे। कैबिनेट की बैठक में जेटेट नियमावली 2024 को भी मंजूरी मिली है। मिलेट के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। प्रस्ताव संख्या 19 महिला बाल विकास विभाग से प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत राज्य अंतर्गत पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप PVTG बहुल क्षेत्रों में 91 आंगनवाड़ी केंद्रों के स्थापना संचालन एवं इनमें भवन निर्माण की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 20 महिला बाल विकास विभाग से झारखंड वाड़ी मासिक पत्रिका के प्रकाशन एवं इसके राज्य के आंगनवाड़ी केंद्रों में वितरण की स्वीकृति। इसका नाम है झारखंड वाड़ी और ये 44 पृष्ठों की रंगीन पत्रिका होगी और हर एक आंगनवाड़ी केंद्र में 5 प्रतियां दी जाएंगी। प्रस्ताव संख्या 21 कृषि विभाग से कृषि क्षेत्र में मिलेट फसल के उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने हेतु झारखंड राज्य मिलेट मिशन योजना के कार्यान्वयन हेतु 50 करोड़ रुपए मात्र की स्वीकृति के संबंध में। इसमें मुख्य लक्ष्य है कि 5 वर्षों में समूहों में मिलेट की खेती का क्षेत्र 5 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाना। वर्तमान में राज्य में 40,000 हेक्टेयर में मिलेट की खेती की जाती है और इसे 5 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाने का लक्ष्य इस मिशन के अंतर्गत रखा गया है। वर्तमान में 50 करोड़ राशि रखी गई है इसके लिए। साक्षरता विभाग से राज्य की सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 के बच्चों को निःशुल्क विद्यालय किट योजनांतर्गत प्रति वर्ष स्कूल बैग उपलब्ध कराने की स्वीकृति के संबंध में। जो अतिरिक्त राशि इसमें व्यय होगा वो है 57.06 करोड़ वार्षिक। अगले सत्र से 1 से 8 के बच्चों को विद्यार्थियों की संख्या इसमें 1 से 2 में है 9.27 लाख। अच्छा, कुल जो संख्या है वो 37.7 लाख। वही झारखंड के ग्रामीण विकास संस्थान का नाम बदलकर राज्य ग्रामीण विकास पंचायती राज संस्थान कर दिया गया है। औद्योगिक प्रयोजनात मेसर्स रुमटा माइंस लिमिटेड चाईबासा के साथ 30 वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 9 ग्रामीण विकास विभाग से राज्य ग्रामीण विकास संस्था सर्ड रांची का नाम राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान रांची करने एवं स्वायत्ता प्रदान करने के संबंध में। इसका नाम रहेगा राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान। ये एपेक्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रहेगा ग्रामीण विकास और पंचायती राज के लिए। और पूर्व से जो कार्यरत हैं वे पूर्ववत क्रियाशील रहेंगे, जो एक्सटेंशन ट्रेनिंग सेंटर्स हैं पंचायत विभाग अंतर्गत। प्रस्ताव संख्या 10 महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से राज्य योजना अंतर्गत महिला एवं किशोरी कल्याण योजना के तहत महिलाओं को सैनिटरी पैड आपूर्ति योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति।
गैर सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन योजना दोबारा लागू कर दी गई है। क्या 48 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से प्राथमिक शिक्षा निदेशालय अंतर्गत 836 गैर सरकारी सामान्य सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक सहित प्रारंभिक विद्यालय तथा 134 गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों के कर्मियों हेतु पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 49 कृषि विभाग से कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग अंतर्गत कोडरमा जिला में 5000 एमटी क्षमता के निर्माणाधीन शीत गृह के द्वितीय पुनरीक्षित प्राकृत राशि 11,74,76,430 रुपये मात्र के पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति एवं योजना अवधि विस्तारित करने की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 50 कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग से राज्य योजना अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में एफपीओ को मजबूती एवं प्रोत्साहन प्रदान करने गुणवत्ता युक्त उत्पादक बेहतर विपणन एवं प्रौद्योगिकी तक पहुंच बनाने हेतु एफपीओस को 50 करोड़ रुपए मात्र की सहायता अनुदान प्रदान करने की योजना के संबंध में। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले चंपई सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। वहीं शिक्षकों को पुरानी पेंशन देने का एक बड़ा फैसला भी लिया गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।